सूरज जब आग उगल रहा होता है, हम 2 मिनट भी ऐसी धूप में जब खड़े नहीं हो पाते, ऐसे में ये वृक्ष अपने सुंदर फूलों से पूरे वातावरण को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। ये हमें जीना सिखाते हैं, ये हमें मुस्काना सिखाते हैं, विषम परिस्थिति में भी हमें डटकर मुकाबला करना सिखाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कविता जो लिखी है संजय वर्मा ने, और कविता का नाम है दृष्टि। गुलमोहर किसी से कुछ नहीं कहता, गुलमोहर किसी से कुछ नहीं कहता, वो देता है आँखों को आकर्षण, मन को सुकून। गर्मी की तपिश से सूख जाते हैं कंठ, गर्मी की तपिश से सूख जाते हैं कंठ, तब मिट्टी के मटकों से हो जाती है दोस्ती इंसानों की। तो जब गर्मी में जब गला सूखने लगता है, तब मटकों का ठंडा पानी याद आ जाता है, और मटकों से और उस ठंडे पानी से इंसानों का रिश्ता बन जाता है। गर्मी की तपिश से सूख जाते हैं कंठ, तब मिट्टी के मटकों से हो जाती है दोस्ती इंसानों की। लकड़ी कवेलियों से बनी झोपड़ियाँ देने लगती है सुखद नींद। उस वक्त लकड़ी कवेलियों से बनी झोपड़ियाँ देने लगती है सुखद नींद, तब लगने लगता है क्यों काट दिया हमने, तब लगने लगता है क्यों काट दिया हमने बेजुबान वृक्षों को सुख सुविधाओं के मतलबों के कारण। अब शहरों में कुछ गुलमोहर ही बचे, अब शहरों में कुछ गुलमोहर ही बचे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे गांव में बचे पेड़ों का। अब शहरों में कुछ गुलमोहर ही बचे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे गांव में बचे पेड़ों का, और लगा रहे हैं अर्जी सुर्ख फूलों से, और लगा रहे हैं अर्जी सुर्ख फूलों से, बचे पेड़ों को बचाने और नए लगाने को। नमस्कार, ऐसी ही अच्छी अच्छी कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कविता के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।